प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रीवा में भी बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित हुए, साथ ही शहर में बाइक रैली भी निकाली गई। भीमराव अंबेडकर का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। अंबेडकर साहब ने भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने न केवल पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि यह एक समाज सुधारक भी थे जिन्होंने पक्षपात और जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। प्रतिवर्ष अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस दिन की शुरुआत जनार्दन सदाशिव रणपिसे ने की थी। 14 अप्रैल 1928 को पुणे में पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी, जिसके बाद अब पूरे देश में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। गुरुवार को रीवा में भी बाबा साहब की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। स्थानीय मानस भवन में अजाक्स द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। अंबेडकर जयंती के मौके पर वाल्मीकि समाज द्वारा उनकी शोभा यात्रा के साथ बाइक रैली खैरी बस्ती निपनिया से निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँची, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। और पता नहीं कितने लोगों ने अपने प्राणों को न्योछावर कर लिया। भगत सिंह वगैरह तो इतनी कम उम्र में राजदूत को दे भेजा, जो हमारे हिंदू थे पाकिस्तान में उनको अपना जमीन जायदाद प्रॉपर्टी छोड़ के यहाँ आना पड़ा, यहाँ के लोगों को वहां जाना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न बाबा साहब की 131वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत एवं संयुक्त मोर्चा के साथ सभी बाबा साहब के अनुयायियों के साथ आज बाबा साहब की शोभा यात्रा खैरी बस्ती से होकर निपनिया से और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आज कलेक्ट्रेट परिसर में हम सभी लोग बाबा साहब के चरणों में उपस्थित हुए। हम ही सब लोग हमारे मसीहा, गरीबों के मसीहा बाबा साहब थे तो आज हम लोग हैं। इन्हीं के अनुयायियों के द्वारा आज विश्व की सबसे बड़ी जयंती मनाई जाती है और हम लोगों के सबसे बड़े ईश्वर के रूप में हम लोग मानते हैं। इसलिए आज हमारे शहरों में, इस शहर में और कई शहरों में कई संगठनों के और समाज सेवियों के द्वारा बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और रीवा शहर में भी हम लोगों के द्वारा और कई लोगों के द्वारा सभी जो मसीहा हैं बाबा साहब के अनुयायी हैं सभी लोगों के द्वारा जयंती मनाई जाती, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। हम लोग बड़े खुश हैं कि बाबा साहब जैसे महापुरुष जिसका विश्व में छठवां स्थान था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की जो मूर्ति लगी हुई है उसमें से 6 छात्रों में से बाबा साहब का एक नाम था। इनके पास इतनी डिग्रियां पढ़े लिखे व्यक्ति थे जिसमें हमको भारत के होने में गर्व है कि हमारे भारत के इतने पढ़े लिखे बाबा साहब भीमराव थे।